वन मिलियन सिग्नेचर कैंपेन शुरू करे थे 12th रिजर्वेशन पर। उसमें हम लोग 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन शुरू करे थे और उसमें हमको, मैं इतना नहीं सोचा था कि मेरे को इतना मतलब जल्दी कामयाबी भी मिलेगी। मैं सोचा था कि उसके लिए डोर टू डोर जाना पड़ेगा और पहली बार हम लोग उसमें क्या करें कि जितना भी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज है, फेसबुक, व्हाट्सअप सब यूज़ करें, ईमेल, उसके लिए एक सेपरेट नंबर दिए थे SMS के लिए, व्हाट्सअप के लिए। तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा था हम लोग को, मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ तक के तो कई मस्जिदों में इमाम साहब जो है ऐलान करे उस खुतबे में, खुतबे से पहले, उर्दू का जो बयान आता उससे पहले कि 12% रिजर्वेशन से हमको ये फ़ायदे, 4% पे हमको ये फ़ायदे हुए और ये हुकूमत जो है वादा करी थी तो ये हमको होना ज़रूरी है और इसके लिए जो भी लोग आगे आएंगे, जो भी मेहम के लिए, जो भी उनकी तरफ से कोशिश करेंगे हम उनका साथ देंगे। और पब्लिक तो आउटरेट सपोर्ट करी साहब, आउटरेट सपोर्ट करी और हमारा जो टाइम ऑफ फॉर इट था उससे बहुत पहले हमारा वो सिग्नेचर, हमारा गोल कंप्लीट हो गया। उसके बावजूद भी आज भी बता रहा हूँ मैं आपको, कई जिलाओं से लोग मेरे को बोलते हैं कि वो फॉर्मेट दो और क्या बोलते सो बाहर से NRI से और दूसरे स्टेट से लोग भी हमारे को जो है इसमें मतलब बोले कि भाई अच्छा ख़दम है। काफ़ी इसमें हमारे को मदद मिली लोगों की और लोगों के दिलों में है कि भाई 12% रिजर्वेशन होना, क्योंकि ये वादा करे तो देना चाहिए। अब हम लोग सेल्फी शुरू करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन पे जो है आप खुद जो है बोलना है कि भाई मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब, मैं फलाने एरिया का हूँ और मैं आपका वोटर हूँ, मेरे को आप रिजर्वेशन पे वादा करे थे, आप मेरे को रिजर्वेशन दें। तो इतने एक सेल्फी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करीब कल मंडे से शुरू करूँगा इंशाल्लाह। रमज़ान के बाद घिराव करेंगे हम इनका, यहाँ पर कहाँ पर भी आएंगे तो हम सीधा हाथ में मतलब लेके खड़े रहेंगे कि भाई 12% रिजर्वेशन और वादा करे तो दियो। हम CM साहब अगर से इनॉग्रेशन करते हैं सिटी में कुछ, या KTR करता है, या KTR जी करते हैं, या फिर कविता जी करते हैं, या हरीश राव साहब करते हैं, अब फैमिली में ये लोग ही चला रहे तब इनका घिराव करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी करेंगे भाई, हम बोलेंगे उनको अपनी तरफ से आप जो है इस मुहिम में सपोर्ट करने के लिए आप अपना रिजिग्नेशन दियो। नॉट ओनली डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सलीम साहब MLC से ही बोलेंगे, शकील साहब से ही बोलिए, जितने भी वहाँ अखिलेती क़यादीन हैं जो पार्टी में पोस्ट लिए होल्ड किए हुए हैं सबको बोलेंगे भाई एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए अपने तरफ से फॉर्म के लिए आप रिज़ाइन करो। मेरे को उम्मीद, कोशिश तो करना अपना काम है साहब, उम्मीद पे तो दुनिया ख़याम है। अभी लोग साथ देते नहीं देते नहीं मालूम, मगर कम से कम आवाम तो देखेगी। बिल्कुल ही बात है रमज़ान में, और उन्हों जो करते हैं वो ताकरातों के बीच में करते हैं, तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कि मैं रमज़ान में तो मैं हमारे तरफ से, मेरे तरफ से तो मतलब कुछ नहीं करूँगा। पार्टी के कोई लोग कर रहे हैं तो मेरे को उससे मतलब वो नहीं है, मगर मैं तो नहीं करूँगा रमज़ान में। रमज़ान के बाद मैं जो कुछ सब कर सकता हूँ इंशाल्लाह मेरे लिमिट्स में जो मैं करूँगा। देखिए साहब, दबाव तो बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ उनको मालूम भी हो रही है। दबाव इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली जो है शब्बीर भाई जो है निज़ामबाद में पावर प्रेजेंटेशन दिए, तो जो आवाम अपने तरफ से शब्बीर भाई को इनवाइट करी, अपने खर्चे पे फंक्शन हॉल बुक करा के, खाने का इंतज़ाम करके, जो पब्लिक 1000-2000 के ऊपर आसपास पब्लिक जमा हुई और उसमें यंग जनरेशन ज़्यादा था और सब हमारे लोग बता रहे थे कि भाई कोई ये ला रहा, कोई वो ला रहा, भाई हमारा मसला है, मिल्लत का मसला है, हम ही बोलना चाहिए, तो ये बच्चों में जो आ गया। आप ज़्यादा हमारे लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपको ऐसा बता रहे हो लोग कि हमारा कुछ परेशान नहीं पड़ा बल्कि, मगर उनके आप अगर से कोई मतलब अच्छे लीडर्स में बात करेंगे आप तो वो लोग बता रहे कि भाई इससे बहुत हमको इफेक्ट पड़ रहा हो। हम शुरू तो वहाँ से ही कर रहे थे, मैं आप मेरे पास क्लिप है, आपको क्लिप दूंगा, ये इसके होने के बाद जो मस्जिदों में जो इमाम साहब जो ऐलान करे वो तकरीबन वहाँ के मस्जिदों का ही शेयर हो, और मस्जिदों के बाहर जो लोग जो है बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। हम एक पॉम्पलेट दे रहे थे और ऐसा सिग्नेचर्स के लिए ठहर गए थे, तो लोग
जो सिग्नेचर्स कर लेते आज वो हिसाब से तो जो है मेरे को मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं था साहब, मैं ये बनाया 10,000 फॉर्म, मतलब पहले देखेंगे कैसा होगा, बाद में मेरे को और 20,000 फॉर्म बनाना पड़ा, जिसमें से मैं समझता हूँ 1,000 फॉर्म बचे हुए बस खाली। मैं ग्रेटर हैदराबाद के तहत ही छूँ तो मैं ग्रेटर हैदराबाद के तहत ही करूँगा। हाँ सर,